आप अमेरिका में नागरिकता ले सकते हैं, बहुत सिंपल है। आप देख लीजिए, आप अमेरिका में जाएंगे, कोनो भोथर मेहरारू पकड़ लीजिए, वहां पे नॉर्मल शादी उदी हो जाता है, उससे वो आपसे कह देगी हम तुमसे शादी कर लेंगे, अब वो कोर्ट में जाके लिख देगी कि हाँ भैया हमने इनसे शादी कर लिया, अब उस बेसिस पे आप वहाँ 6 महीना रहिए, वहाँ आपको नागरिकता मिल जाएगी। जब नागरिकता मिल जाएगी तो आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, वहाँ पे जॉब इजिली मिल जाता है। अब वहाँ आपको मिलेगा, अगर मान लीजिए वहाँ 1 लाख मिल रहा है तो यहाँ आके बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वहाँ जिस महिला से आपने शादी किया ना वो कहेगी कि भाई तुम यहाँ जो भी सैलरी मिलेगी तुमको उसका 20% तुम हमको दे देना। अब वहाँ आप नागरिक हो गए हैं, वहाँ लाखों लाख कमा रहे हैं, 20% महिला को दे दीजिएगा, इसको कोई मतलब नहीं है, कोर्ट में साबित कर दिया आप हो गए हैं वहां पर नागरिक, चुपचाप सोचिए। अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री में हजारों हिंदुस्तानियों ने ऐसे ही जॉब कर लिया है वहां पर, वहां जाइए कनाडा में टैक्सी वाले बहुत मिलेंगे आपको हिंदुस्तानी, तो वहां कहीं पे भी कोई सिस्टम है, वहां हर जगह पैसा चलता है। अमेरिका में शादी ब्याह करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं होता है, वहां इसीलिए तो फादर डे मनाया जाता है कि जो बचवा रहता है ना वो पूछता है मम्मी हम किसके लड़का है, तो मम्मी उसकी कहती है अब ये 2020 चल रहा है, देखो तुम पैदा हुए थे 2012 में, और 2012 में मेरा पति विक्टर था, लेकिन 2014 में ना हम जॉन से शादी कर लिया,